हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हाट इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एक स्ट्रॉन्ग फेशियल शीट होती है जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे और डीप प्रेजेंट होती है। तो हम पेक्टोरलिस मेजर मसल हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो जब हम पेक्टोरलिस मेजर मसल को रिमूव करेंगे तो उसके नीचे, उसके डीप हमें एक स्ट्रॉन्ग फेशियल शीट देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल थी, उसको हमने रिमूव किया तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट फेशियल शीट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, दैट इज ऊपर जो होती है क्लेविकल होती है, तो ऊपर क्लेविकल से नीचे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी फेशिया। तो ऊपर क्लेविकल और एक्सिलरी फेशिया के बीच में जो फेशिया होता है वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो एक्सटेंड करता है क्लेविकल से जो कि ऊपर होती है और बिलो एक्सिलरी फेशिया तक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर क्लेविकल है, यहाँ से ये एक्सटेंड हुआ और यहाँ पे नीचे आके फेशिया चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी फेशिया। इन दोनों के बीच में जो फेशिया होता है वो होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेविकल से स्टार्ट होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, उसके बाद ये नीचे आता है, उसके बाद स्प्लिट होता है। और हमने आपको सबक्लेवियस मसल दिखाई थी, स्प्लिट होता है उसको एक पॉकेट की तरह इनक्लोज कर लेता है सबक्लेवियस मसल को, उसके बाद में नीचे आता है और पेक्टोरलिस माइनर मसल को भी ये इनक्लोज कर लेता है। तो पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस मसल दोनों ही इनक्लोज होती हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में, बट दैट इज ये आउटसाइड प्रेजेंट नहीं होती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की, ये इनसाइड प्रेजेंट होती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मसल्स को इनक्लोज करता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। सबक्लेवियस मसल को करता है ऊपर, और नीचे आके पेक्टोरलिस माइनर मसल को इनक्लोज करता है। पेक्टोरलिस माइनर मसल को इनक्लोज करने के बाद ये नीचे कंटिन्यू होता है, और अब यहाँ पे हमने क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो था उसका नाम चेंज कर दिया और उसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। तो उसी का मॉडिफिकेशन है ये। तो यहाँ पे हमें क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पेक्टोरलिस माइनर के नीचे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, और फिर ये नीचे जाके अटैच हो जाता है एक्सिलरी फेशिया से अल्टीमेटली। तो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, ये आपको देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्लेविकल जो है बोन है, हमने आपको बताया था क्लेविकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है सबक्लेवियस मसल, क्योंकि यहाँ पे वो इंसर्ट होती है सबक्लेवियस मसल को। तो आपको यहाँ पे ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फेशिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सबक्लेवियस मसल को इसने इनक्लोज कर रखा है, उसके बाद ये फेशिया नीचे जाता है और फिर वापस स्प्लिट होता है और फिर इनक्लोज करता है पेक्टोरलिस माइनर मसल को यहाँ पे। तो ये क्या है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, यहाँ पे दिख रहा है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है। ये पहले इसने इनक्लोज किया सबक्लेवियस मसल को, उसके बाद इनक्लोज किया पेक्टोरलिस माइनर मसल को, उसके बाद में वापस ये ज्वाइन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। दैट इज यहाँ पे ये बन गया सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, जस्ट इसका नेम चेंज हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी फेशिया, जिस पे जाके ये अटैच हो जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। तो ये वाला एक्सिलरी फेशिया है जहाँ पे आके ये अल्टीमेटली क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला आके एंड हो गया और अटैच हो जाता है। सो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया स्ट्रॉन्ग फेशियल शीट होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे, एक्सटेंड करता है क्लेविकल से एक्सिलरी फेशिया तक, बीच में दो मसल को इनक्लोज करता है सबक्लेवियस मसल पेक्टोरलिस माइनर मसल, उसके बाद कंटिन्यू करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला की तरह और अटैच हो जाता है फाइनली एक्सिलरी फेशिया पे। उसके बाद है मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के, मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जनरली जहाँ पे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो है जो थिक हो जाता है, और मतलब काफ़ी थिक हो जाता है जिससे वो दो लिगामेंट्स बना लेता है। तो वो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, वो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के? एक तो है कोस्टे कोरिकॉइड लिगामेंट। तो यहाँ पे
थिकनिंग होती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की। तो कोस्टिक और कोरेकॉइड लिगामेंट किस किस के बीच में होता है? फर्स्ट रिब और जो स्कैपुला की कोरेकॉइड प्रोसेस होती है, फर्स्ट रिब और स्कैपुला की कोरेकॉइड प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोस्टिक और कोरेकॉइड लिगामेंट। और वो अल्टीमेटली होता क्या है? जस्ट थिकनिंग ऑफ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ही होते हैं वो। तो ये मॉडिफिकेशन है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के, एक तो है कोस्टिक और कोरेकॉइड लिगामेंट और दूसरा हमने आपको बताया था पेक्टोरलिस माइनर के नीचे कैसे मूव करता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला की तरह। तो ये दो मॉडिफिकेशन हो गए, कोस्टिक और कोरेकॉइड लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। अब ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पियर्स करते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, दैट इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके, और कुछ बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आते हैं इस फेशिया को पियर्स करके। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये याद करना हमें इम्पॉर्टेंट है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको पियर्स करते हैं। तो एक तो है लेटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल रीजन में होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, तो हम कह सकते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व नॉट मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। और एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, वो पियर्स करती है। एक सिफेलिक वेन होती है जो कि वीनस ब्लड लेके आती है थंब के अलोंग, तो वो होती है सिफेलिक वेन। और कुछ लिम्फेटिक्स होता है, दैट इज ब्रेस्ट से जो लिम्फेटिक्स था वो जाता था एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में, फिर सेंट्रल में, तो अल्टीमेटली फिर एपिकल में जाता है। तो एपिकल में जो लिम्फेटिक जाता है वो इस फेशिया को पियर्स करके जाता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पियर्स करते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। कौन कौन से? लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरेको लेटरल पेक्टोरल नर्व, ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी दैट इज थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, सिफेलिक वेन और लिम्फेटिक्स दैट इज ब्रेस्ट से जो एंटीरियर सेंट्रल लेटरल था फिर अल्टीमेटली एपिकल में जाता है, तो वो इसी को पियर्स करके जाता है। तो अल्टीमेटली लिम्फेटिक्स भी पियर्स करता है इस फेशिया को। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिफेलिक वेन है, ये ड्रेन कर रही है एक्सिलरी वेन में, तो ये यहाँ पे इस फेशिया को पियर्स कर रही है। ये यहाँ पे है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, ये इस फेशिया को पियर्स करती है। और यहाँ पे ये येलोइश स्ट्रक्चर है वो है लेटरल पेक्टोरल नर्व, वो भी इस फेशिया को पियर्स करती है। और यहाँ पे लिम्फेटिक्स नहीं दिखाया है, वो आपको मैं दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये भी एक अच्छा व्यू है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये येलोइश लेटरल पेक्टोरल नर्व पियर्स करती है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी पियर्स करती है, सिफेलिक वेन पियर्स करती है ब्लूइश, और यहाँ पे ब्रेस्ट से दैट इज एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स से अल्टीमेटली ये एपिकल लिम्फ नोड्स में, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक्स जा रहा है, तो ये भी पियर्स कर रही है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।